guys, welcome back to my channel. I'm Swati. I make videos related to dance, makeup, DIY, travel and a pregnancy also. So if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to my channel and hit that bell icon so you can get notification whenever I upload any video. और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने न्यूबॉर्न बेबी को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना है तो क्या सेफ्टी आपको रखनी है, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं. सो उसकी ड्यूरिंग एज यू ऑल नो, मैं भी फर्स्ट टाइम न्यू मॉम हूँ. सो मैंने भी मेरे बेबी के वैक्सीनेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम्स फेस की थी, तो उन सब से रिलेटेड और उनको कैसे सॉल्व करना है उन सब से रिलेटेड मैं इसमें कुछ टिप्स बताने वाली हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने हॉस्पिटल से बात कर लीजिए. मेक श्योर कि जैसे मेरे हॉस्पिटल ने एक दिन में वो सिर्फ 5 बेबीज़ को ही बुलाते थे, तो सेफ्टी पर्पस से आप एक बार अपने हॉस्पिटल में बात कर लीजिए कि वो किस तरीके से वैक्सीनेशन करने वाले हैं, उनका क्या प्रोसीजर है. सो और वो सब पता करने के बाद जो आपको जिस दिन आपको वैक्सीनेशन के लिए जाना है उस दिन आपको कुछ खुद ऐसे कपड़े पहनने हैं जिसमें आप फुल्ली कवर हों, मतलब फुल स्लीव्स के कपड़े हों, फुल लेंथ कपड़े हों, नीचे आप सॉक्स पहनिए. मेक श्योर कि आपकी स्किन कहीं से भी बाहर नहीं निकल रही हो, मतलब स्किन शो नहीं हो रहा हो. और पूरा ड्रेस नीचे से लेके ऊपर तक आप फुल्ली कवर्ड हों. और इफ़ पॉसिबल, इफ़ यू कैन वेयर ग्लव्स तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके, बट सॉक्स ज़रूर पहन लीजिए. और उसके बाद वेयर योर मास्क. एंड अगर आप न्यू मॉम हैं तो 40 डेज में आपके हेयर तो नॉर्मली हेयर एंड ईयर कवर रहते हैं, तो बस आपका इतना ही पार्ट ओपन है विच इज़ गुड थिंग. जिसमें आप इतना मास्क लगा लोगे तो सिर्फ आपकी आईज ओपन है. और जब बेबी को आप वैक्सीनेशन के लिए रेडी करोगे तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि बेबीज़ जब भी घर से निकलते हैं तो हो सकता है वो बहुत क्रैंकी हो जाएं और आपको वहाँ पे उनका ड्रेस भी खोलना रहेगा और आपको बहुत जल्दी क्विकली सब काम करने हैं. तो इसके लिए उनको ऐसी ड्रेस बनाइए जो फ्रंट से ओपन होती हो, जिसमें फ्रंट बटन हो या कुछ ऐसी ड्रेस हो या रोम्पर हो जो फ्रंट से ओपन हो, फ्रंट बटन हो, तो वहाँ पे बेबी को अनड्रेस करना वैक्सीनेशन के लिए इजी रहता है. और जैसे मैं अपने बेबी को फ्रंट ओपन रोम्पर पहना के लेके गई थी. और मेक श्योर कि जो आप बेबी को भी जो ड्रेस पहना रहे हो वो, क्योंकि बेबी भी अपने हैंड्स वगैरह मुंह में ले सकते हैं, तो आप उनको फुल्ली कवर करें नीचे टो से लेके ऊपर तक. और हाथ में मिटन्स हो या फिर ड्रेस मिटन वाली हो तो हैंड पूरी कवर हो. उसके अलावा आप एक बेबी को जो लेके जा रहे हैं जिस शीट में, उस शीट के अलावा एक शीट और लेके जाइए साथ में. जब आप बेबी को वहाँ लेटाएंगे डॉक्टर के टेबल पे तो उस शीट के साथ लेटाइए. और जब आप उस जब वैक्सीनेशन के बाद जब आप बेबी को वापस पिक करेंगे तो रिमूव दैट शीट एंड जो आप न्यू शीट लेके गए थे उसे अपने बेबी को टच करने दीजिए. वो जो शीट है वी डोंट नो कि वो कहाँ से क्या कंटेमिनेट हो जाए, तो वो शीट आप बिल्कुल यूज़ मत कीजिए. मेक श्योर, मैंने गलती करी थी एक बार, कुछ सेकंड्स के लिए मैंने कुछ टाइम के लिए नर्स के हाथ में अपने बेबी को दे दिया था. उन्होंने मुझसे मांगा और मैंने हड़बड़ी में डर के मारे उनको हाथ में दे दिया. बट मेक श्योर कि आप अपने बेबी को किसी के हाथ में नहीं दें, आप अपना बेबी अपने पास रखें. और उसके अलावा आप अपने साथ एक सैनिटाइज़र की बॉटल लेके जाएं. मैं अपने साथ एक सैनिटाइज़र की बॉटल लेके गई थी मेरे डायपर बैग में, जिसमें मेरे हॉस्पिटल में ऐसा था कि बेबी के साथ सिर्फ एक जना अंदर जा सकता था. सो बेबी एंड उसके साथ कोई भी एक जना, तो मैं और मेरे बेबी अंदर गए थे. और अंदर जाने के बाद यू हैव टू पे बिल्स एंड आपको वैक्सीनेशन ख़रीदना वगैरह रहता है, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस रहता है. आपको कंसल्टेशन से फीस भी देनी होती है डॉक्टर की. सो उसके लिए डू नॉट यूज़ कैश, आप अपना कार्ड कैरी करिए. और मैंने क्या किया था, बेबी मेरी गोदी में था, मैं एक सीट पे बैठ गई थी और बहुत इजीली जब मैंने सामने बिलिंग काउंटर पे अपना कार्ड दिया तो मैंने पहले ही सैनिटाइज़र बॉटल मेरे हाथ में ले ली थी, अपने हाथ अच्छे से सैनिटाइज कर लिए थे. और जब उन्होंने मुझे वो कार्ड रिटर्न किया तो मैंने हाथ में लेते ही कार्ड को
हाथ में सैनिटाइजर था और हाथ में लेते ही कार्ड को सैनिटाइज करके ही मैंने उसे अपने बैग में रखा, क्योंकि आपने कार्ड भी पकड़ा है, आपने मशीन को भी टच किया है। आई नो मे बी आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, बट आपके हाथ में एक बहुत छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी है जो जिसकी इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी नहीं है, सो उसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। और जब आप हॉस्पिटल जाएँ तो आप नहा के मत जाइएगा, और जब आपका वैक्सीनेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप अपने घर पे कॉल कर दीजिए रास्ते में से, जैसे मैंने रास्ते में से कॉल कर दिया था। उन्होंने हमारे लिए गरम पानी करके रखा था, और आप आते ही हल्दी का गरम पानी पीजिए। और सबसे पहले जो आपको काम करना है कि घर में घुसते ही जो आपके फुटवेयर हैं वो बाहर के बाहर खोल देने हैं, और सीधा आपको अपने बेबी को लेके वॉशरूम में जाना है। सबसे पहले आपको बेबी को अनड्रेस करके उसे लुकवॉर्म वाटर से नहलाना है, और फिर किसी और को दे दीजिए बेबी ताकि वो उसे क्लीन अप कर दे, अच्छे से पोंछ पाछ के रेडी कर दे। और आप भी अपने ड्रेस जो हैं खोल के फटाफट से एक वार्म वाटर में शावर ले लें, और जो आपके क्लोथ्स हैं दोनों के उन्हें वार्म वाटर में भिगो के रख दीजिए 4-5 घंटों के लिए। और उसके अलावा जब आप आ जाएं तो आप खुद हल्दी का गर्म पानी पीजिए, अपने साथ कैरी कीजिए। और उसके अलावा आते ही आप बेबी को, अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो भी आते ही आप बेबी को एक बार गुनगुना पानी लुकवॉर्म वाटर में आपका जो टॉप फीड है वो बनाकर और उसे पिला दीजिए, तो वो काफ़ी बेटर रहता है। मेक श्योर कि उसको उस दिन, एक दिन में 1 से 2 फीड आप लुकवॉर्म मिल्क का जो है वो टॉप फीड का वो दें, तो वो अच्छा रहता है। और तो आई थिंक मैंने मोटा मोटी सारे कवर कर लिए हैं पॉइंट्स। और सबसे बड़ी बात एक और, कि आप जब भी वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं बेबी को लेके, आप अपने पर्सनल व्हीकल में जाएं, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ना करें, अपने पर्सनल व्हीकल में ही बेबी को लेके ट्रैवल करें। और जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं कि ड्राइवर के अपोजिट साइड आपको बैठना है वो तो आपको करना ही है, बट ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा, आप बहुत इजीली अपने बेबी का वैक्सीनेशन करा के आ जाएंगे। और सेकेंडली आप अपने डॉक्टर से बात करिए, जैसे मैंने जब मेरे डॉक्टर से बात करी जब मेरे बेबी का वैक्सीनेशन था, तो उस टाइम पे लॉकडाउन था, तो उस टाइम पे डॉक्टर ने एक बार के लिए वैक्सीनेशन मना कर दिया था और उन्होंने 1 मंथ डिले करने के लिए बोल दिया था। पर 1 मंथ बाद आप अपने बेबी का वैक्सीनेशन डिले नहीं कर सकते हैं। मेरे डॉक्टर ने 1 मंथ बोला, बट बाद में मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला मैक्सिमम 15 डे आप अपने बेबी का फर्स्ट वैक्सीनेशन डिले कर सकते हैं, उसके बाद का जो वैक्सीनेशन है उसे आप 1 मंथ डिले कर सकते हैं, पर जो फर्स्ट वैक्सीनेशन है जो आपको आई थिंक 10th वीक पे लगता है वो आपको डिले नहीं करना है मोर देन 15 डेज। सो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर सेकेंड वैक्सीनेशन है तो आप थोड़ा डिले भी कर सकते हैं, बट कीप इन टच विद योर डॉक्टर, एंड आई होप यू स्टे हेल्दी। एंड और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।